हमारी वर्क प्लेस यानी जहां हम काम करते हैं या जहां हम पढ़ाई करते हैं, अगर वो नीट नहीं है या खूबसूरत नहीं है तो काम करने का मज़ा थोड़ा कम आता है, और अगर उसी एरिया को हम थोड़ा ऑक्सीजन रिच बना दें तो कितना अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कम्पैक्ट प्लान शेयर करूंगी जो वर्क स्पेस के लिए या वर्किंग टेबल के लिए सूटेबल हों, क्योंकि वहाँ ना धूप आती है, सेकेंडली वहाँ बड़े पेड़ पौधे नहीं लगाने हैं, तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हम अपने इनडोर स्टडी टेबल्स पे या किचन शेल्फ पर या इवन लिविंग रूम डाइनिंग टेबल पर या किसी भी खाली कॉर्नर में ये पौधे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हाउस प्लांट आपके घर ऑफिस के इनडोर स्पेस को एलिगेंट लुक देने के साथ साथ घर की एयर प्योरीफाई करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी, रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव इनडोर फॉलिएज प्लांट की बात ही कुछ और होती है। पेपरोमिया ऐसा ही एक हाउस प्लांट है जो इनडोर छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। स्मॉल शेप, अट्रैक्टिव लीव्स, कम गहराई वाली जड़ें, स्लो ग्रोथ करने की नेचर, छायादार जगह में उगना और जहरीला ना होना इस पौधे की खासियत है। इसकी 1500 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पेपरोमिया की दो वेराइटीज़ वाला प्लांट है, एक ग्रीन एंड वेरीगेटेड। इसे पेपरोमिया ऑप्टेसी फोलिया भी कहा जाता है। पेपरोमिया के पत्ते मोटे, चमकदार, फ्लैशी होते हैं, लाइक सेमी सकुलेंट्स होते हैं। काफ़ी हद तक ये पौधे बिना पानी के कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं और कम जगह में या फिर लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाले ये बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसे आप चाहें तो स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं और इसे आप ट्यूबलाइट एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। वीक में एक बार आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं, जिन्हें आप छोटे छोटे क्यूट प्लांटर में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर बोनसाई शेप में दिखने वाला पौधा जो आप देख रहे हैं ये है टेबल कामनी। इसे मोराया पेनिकुलाटा के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी ड्वार्फ वेराइटी है। फ्रेंड्स, ये पौधा देखने में एक छोटे ट्री की तरह लगता है। इसे शेप देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे आप घर के अंदर किसी भी टेबल के ऊपर छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। हल्की ब्राइट लाइट में ये पौधे बहुत ही आसानी से चल जाते हैं, या आप इसे किसी भी विंडो साइड एरिया में रख सकते हैं। जहाँ पर हल्की धूप भी आ जाए तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। आप इनकी हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं जिससे ये पौधे जो हैं वो ऑल टाइम शेप में रहें। रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन में ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, तो उस टाइम पर आप चाहें तो इनको कटिंग से भी ग्रो करके इनके नए नए पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। लकी बेम्बो का प्लांट भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। लो स्पेस स्मॉल पॉट्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहते हैं। इन्हें आप घर के अंदर बच्चों की स्टडी टेबल्स पर या फिर ऑफिस वगैरह में के टेबल पर या इवन किचन की सेल्फ पर भी ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप इन्हें मिट्टी में ग्रो करें तो चाहे आप इन्हें वाटर में ग्रो करें, ये बहुत ही शुभ पौधे माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के मुताबिक लकी बेम्बो का पौधा घर में रखने से भाग्य और वैभव भी आता है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है और ये नेचुरल एयर प्यूरीफायर प्लांट भी होता है। इसे घर के ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। इसे ब्राइट लोकेशन पसंद होती है, इसलिए आप इसे वहाँ रखें जहाँ पर हल्की विंडो की रोशनी भी अगर इन पौधों पर रह जाए तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर लकी बेम्बो का प्लांट की पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ने लग जाती हैं, तो इसकी ब्रांचेस ब्राउन होकर सूखने भी लग जाती हैं। ऐसा फंगस के कारण होता है। सड़ती हुई ब्रांचेस को आप निकाल दीजिए और फंगस से बचाने के लिए हर 4 से 5 दिन में आप इनका पानी जो है वो चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट। बोटेनिकली इसे सेंसेवेरिया प्लांट कहा जाता है। इसकी जो ड्वार्फ वाली वेराइटी होती है फ्रेंड्स, इन्हें आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं और छोटे कंटेनर को लगाकर किसी भी आप इनके घर के अंदर किसी भी स्टडी टेबल के ऊपर या ऑफिस वगैरह में भी इन पौधों को रख सकते हैं। ये पौधे ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। सबसे हार्डी पौधा है, इसे बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स होता है। ये टॉक्सिक एलिमेंट को खींचता है और घर के अंदर के माहौल को भी शांत बनाता है। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं। स्नेक प्लांट में बहुत ही सुंदर फूल भी आते हैं। इसके अलावा ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी होता है। स्नेक प्लांट के लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं फ्रेंड्स, और दिन में ये पौधे अपना खाना बनाते हैं और रात के टाइम पर जब ये पोर्स ओपन होते हैं तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पीस लिली का प्लांट, और ये भी पौधा बहुत ही आइडियल प्लांट होता है, स्पेशली हमारे डेस्कटॉप में ये प्लांट रखने के लिए। छोटे छोटे कंटेनर में आप इस तरह के पौधों को ज़रूर लगाएं।
प्रीस लिली का पौधा भी घर में सुख शांति लाने वाला, इसके अलावा आपके इंडोर गार्डन को स्टाइलिंग भी करता है। जिनके घर में कम धूप आती है तो आप इस इंडोर फ्लावरिंग प्लांट को लगा सकते हैं। इसे बेडरूम में रखने से नींद भी अच्छी आती है और घर के इंडोर में के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करके एयर प्योरीफाई भी करता है। पीस लिली का पौधा लो लाइट में बेहद आसानी से उगता है। इनकी पत्तियां लश ग्रीन और चमकदार होती हैं और ये लगातार सफ़ेद फूल देता है, जो इसके फूल ना होकर मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। पीस लिली वेलड्रेन मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। वाटर तभी दें जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेंडेनस का प्लांट। ये पौधा भी आप अपने वर्किंग एरिया या फिर स्टडी टेबल में लगा सकते हैं। ये पौधा लो लाइट में ग्रो होने वाला ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। फ्रेंड्स, स्टडी टेबल में जब भी आप प्लांट्स रखें तो इनके बॉटम में ड्रेनेज प्लेट रखना मत भूलें, क्योंकि वाटरिंग के दौरान आपकी टेबल मैसी ना हो जाए, सो बी केयरफुल। पेंडेनस के पौधे को आप वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पानी तभी दें जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाए। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं, जिनको आप सेपरेट करके इवन कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंगोनियम के जो छोटी छोटी पत्तियों वाली वेराइटी रहती है, ड्वार्फ वाली या फिर पिंक सिंगोनियम टाइप के जो पौधे होते हैं, इन्हें भी आप छोटे कंटेनर में ग्रो करके घर के अंदर किसी भी कॉर्नर स्पेस को कवर कर सकते हैं या किसी भी बच्चों के टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इवन कि ये पौधे आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पौधे ग्रोथ करते हैं फ्रेंड्स। इवन कि ये पौधे लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं और बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं, जो हमारे घर के अंदर की टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही मिनिमम केयर में ये चलने वाले पौधे होते हैं। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल सकते हैं, तो ये पौधे भी आप लगा सकते हैं, स्पेशली जो सिंगोनियम की ड्वार्फ वेराइटी होती है। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरीफायर प्लांट के अलावा बहुत ही जीरो मेंटेनेंस प्लांट है। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट ग्रीन वाली जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस, मार्बल क्वीन। इनको आप चाहे तो छोटे कंटेनर से लेकर मॉस्टिक के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, और मॉस्टिक में लगाने से इसकी जो लीव्स का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाएं, पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में, इवन ट्यूब लाइट में भी ये पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और आप चाहें तो इन्हें पानी में या फिर मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को बहुत अच्छी लगती है, जिससे कि इनके पौधों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। इनडोर लगाने के लिए आप जीजी प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसे आप लो लाइट एरिया में किसी भी छोटे कंटेनर में ग्रो करके किसी भी साइड टेबल पर लगा सकते हैं। इसे आप जब भी लगाएं तो सैंडी सॉइल में लगाएं एंड वाटरिंग तभी दें जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है थ्रू कटिंग एंड लीव से आसानी से इनके प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी आप अपने घर के अंदर किसी भी खाली स्पेस को कवर कर सकते हैं या किसी भी टेबल पर भी आप इन पौधों को रख सकते हैं। ये पौधे ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। ये एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद दूषित हवा को प्योरीफाई करने की क्षमता रखता है। इसमें ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटी में ये पौधा आपको नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस यानी कि 30-40 रुपए तक ये आपको मिल सकता है। ये एक हार्डी प्लांट है। बिगनर इस इजी जीरो मेंटेनेंस प्लांट को कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। इन्हें आप बिल्कुल घर के अंदर ट्यूबलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं या किसी भी पार्शियल सनलाइट या किसी भी विंडो के किनारे आप इनको, जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है, इन पौधों के लिए सफिशेंट होती है। ये पौधे बहुत सारे रनर्स थ्रो करते हैं, जिनको कट करके आप नए नए पौधे भी बना सकते हैं। तो ये भी पौधे आप छोटे कंटेनर में अपने घर के अंदर किसी भी साइड टेबल पर या किसी भी बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल पॉट में लगाने के लिए हौरथिया प्लांट भी आप अपने इनडोर शामिल कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इनको आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएं, थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए या थोड़ी सी रेत भी डाल देंगे तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, और इनको कहीं कहीं दिन तक पानी की भी नेसेसिटी नहीं रहती है। और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली छोटे से कम्पैक्ट से पॉट में। फ्रेंड्स, घर के अंदर किसी भी कॉर्नर में लगाने के लिए एंथूरियम भी बेस्ट प्लांट रहता है,
जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एक DIY है जिसमें मैंने एंथोरियम फ्लावरिंग प्लांट को लगाया हुआ है। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आते हैं। मेरे पास इसकी वाइट वाली फ्लावरिंग प्लांट है एंड इसमें एक रेड वाली वेराइटी भी आती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये पौधे भी आप छोटे कंटेनर में लगा कर किसी भी घर के अंदर, किसी भी साइड टेबल पर, बच्चों की टेबल पर, इवन कि ऑफिस वगैरह में अगर आप वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ पौधे जो हैं इस तरह के लगा सकते हैं जो आपके घर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स, पौधों के ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पौधे लगाइए और अपनी वर्क प्लेस को ऑक्सीजन रिच बनाइए। साथ में बच्चों के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन मिलती रहेगी और बच्चे भी बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।